देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए न्यूज 9 लाइव टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, फेसबुक पेज है न्यूज 9 लाइव टीवी, ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल्स है @news9liveTV। नमस्कार, मैं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज 9 लाइव टीवी पर बिग बुलेटिन। बिग बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। सीए को लेकर अलीगढ़ में 70 महिलाओं पर FIR दर्ज, लखनऊ में प्रदर्शनकारियों के पुलिस ने जब्त किए कंबल। वहीं उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी, 21 जनवरी को दिल्ली में बारिश के आसार। प्रयागराज हाईवे अड्डे पर हिरासत में लिए गए पूर्व IAS अधिकारी कन्नन गोपीनाथन। दिल्ली चुनाव के घोषणा पत्र से पहले केजरीवाल ने जारी किया 10 कामों का गारंटी कार्ड, कहा कोई योजना बंद नहीं होगी। वहीं दिल्ली चुनाव को लेकर टिकट कटने से नाराज दिनेश सिंह के समर्थकों ने किया प्रदर्शन, मनोज तिवारी के विरोध में लगाए नारे। नीति आयोग के सदस्य के बिगड़े बोल, कहा कश्मीर में इंटरनेट सेवा से क्या फर्क पड़ता है, गंदी फिल्में ही तो देखते हैं। जेपी नड्डा कल करेंगे बीजेपी के 14वें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ग्रहण। वहीं दिल्ली चुनाव में रिंग्या के पापा की एंट्री, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जमकर चल रही वीडियो वार। जनसंख्या वाले बयान पर सांसद असदुद्दीन अवैसी ने भागवत पर साधा निशाना, कहा तुमने नौकरियां कितनों को दी ये बताओ। वहीं CAA पर असम के बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा बोले, धार्मिक उत्पीड़न का सबूत देना असंभव है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी न्यूज 9 लाइव टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहें न्यूज 9 लाइव टीवी। आप चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।